इट वॉज द टाइम जब हमारे कंप्यूटर में कुछ 1 GB या 2 GB रैम रहती थी, लेकिन फिर भी हम उस टाइम बहुत सारी गेम्स खेलकर अपना काम चला लेते थे। लेकिन तब भी हमारी यही सोच रहती थी कि हमें कोई ऐसी GTA जैसी गेम मिल जाए जिससे हम पूरी ओपन वर्ल्ड भी कर सकें और मिशंस भी खेल सकें। तो उस टाइम कुछ ऐसी गेम्स निकली थी पर देट वर नॉट पॉपुलर लाइक एज माफिया गॉड हैंड, पर वो इतने पॉपुलर नहीं हुई, या तो उनके गेम प्ले अच्छा नहीं था या फिर उनका मैकेनिज्म अच्छा नहीं था। लेकिन फिर भी उस टाइम यानी कि 2005 या फिर 2006 के अराउंड एक गेम आई थी दैट वॉज टोटल ओवरडोज, जिसने आते ही धमाल मचा दिया था। आज हम देखने वाले हैं कि कैसे टोटल ओवरडोज वॉज अ लेजेंडरी गेम एंड समटाइम्स इट डिड बेटर देन GTA गेम्स। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। तो जब टोटल ओवरडोज आई थी और उसके जब रिव्यूज़ निकले थे तो सभी रिव्यूज़ में लगभग एक बात यही कॉमन थी कि या तो ये GTA की कॉपी है या फिर ये GTA से इंस्पायर्ड है। ऐसा इसलिए था कि उस टाइम GTA सीरीज़ वॉज वन ऑफ द बेस्ट एंड पॉपुलर गेमिंग सीरीज़ ऑल ओवर द गेमिंग इंडस्ट्री, एंड जितने भी ओपन वर्ल्ड गेम लाइक ए GTA जितनी भी निकलती थी, जैसे कि वॉच डॉग्स हो गई या फिर माफिया हो गई, गॉड हैंड हो गई, उन सबको यही टाइटल दिया जाता था कि या तो ये GTA की कॉपी है या ये GTA से इंस्पायर्ड है। ऐसा कहना काफ़ी हद तक सही है क्योंकि पहली पॉपुलर एंड ओपन वर्ल्ड गेम रॉकस्टार ने ही बनाई थी, और GTA जो है रॉकस्टार की वन ऑफ द बेस्ट एंड फेमस पॉपुलर गेमिंग सीरीज है। टोटल ओवरडोज की कुछ ऐसी खास बातें हैं जो टोटल ओवरडोज को GTA से कुछ अलग बनाती है। लाइक इस GTA में हम पागल नहीं रह सकते, आपने देखा होगा अगर आप सिंपल सी जंप करेंगे तो आप गिर जाएंगे, लेकिन टोटल ओवरडोज में आप कुछ स्टंट्स परफॉर्म कर सकते थे एंड दैट वॉज एन ऑसम पार्ट ऑफ दैट गेम, क्योंकि हम स्टंट कर अपने एनिमी को मारते थे और वो उस टाइम पे बहुत ही यूनिक था क्योंकि मैक्स पेन में ऐसा कॉन्सेप्ट आया था। और इसी स्टंट वाले पार्ट की वजह से टोटल ओवरडोज बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई, और मैंने जब ये गेम खेली थी तो मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आई थी, और मैंने पहले दिन जब ये गेम की CD लाया था अपने दोस्त से, मैंने उसी दिन इंस्टॉल कर इसे कुछ लगभग 2 घंटे के लिए खेला था और मुझे बहुत ही मज़ा आया था। फिर मैंने इस गेम को पूरा कंप्लीट करा एंड आई फाउंड दैट इसकी स्टोरी लाइन काफ़ी ब्यूटीफुल एंड यूनिक है। इसमें हमारा जो बंदा होता है यार, उसको बहुत ही ज़्यादा मिशंस दिए जाते हैं फ्रॉम द DEA, और उसका जो भाई होता है और उसके जो फादर होते हैं वो भी इसी में ही जो इन्वॉल्व होते हैं इन कामों में, और हमारा बंदा भी जो प्रोटैगनिस्ट मेन प्रोटैगनिस्ट इस गेम का है वो भी इन्हीं कामों में इन्वॉल्व होता है। तो आगे जाते जाते हमें पता लगता है कुछ ऐसे सीक्रेट्स अबाउट DEA, और फिर हम आप गेम कंप्लीट कर लेते। अगर आपने ये गेम खेली है तो आपको इस गेम्स की कुछ खास बात पता होगी, लाइक एज आप इसमें कुछ कलेक्ट कर सकते थे एंड दैट वर कुछ पर्क्स वगैरह होते थे, और उसको हम यूज़ कर हमारी गेम को और स्मूथ बना सकते थे, लाइक एज गोल्डन गन और एक गिटार वाला था जिससे हमारे हाथों में दोनों गिटार आ जाते थे एंड वी कैन यूज़ दैट। एक था सांड वाला जिससे हमारा बंदा जो है सांड बन जाता था और जो भी सामने आता था सबको उड़ा देता था। दैट वॉज एन ओसम पार्ट ऑफ दिस गेम बिकॉज ऐसा कॉन्सेप्ट पहली बार ही आया था और लोग चाहते थे कि इसका कोई सीक्वल भी आए, और इसके सीक्वल से एक स्टोरी भी है जो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो जो डेडलाइन सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसने टोटल ओवरडोज को बनाया है, उसने जो है इसका सीक्वल की पूरी प्लानिंग कर ली थी, और उन्होंने कहा था जो टोटल ओवरडोज 2 गेम है वो एक नए जनरेशन कंसोल पे आएगी, दैट वर एक्सबॉक्स एंड प्लेस्टेशन 3 एट दैट टाइम, और वो चाहते थे कि टोटल ओवरडोज 2 में वो सारी कमियाँ पूरी हो जाएँ जो टोटल ओवरडोज 1 में रह गई थी, और टोटल ओवरडोज 2 जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक बनाना चाहते थे। उन्होंने इस गेम पर पूरा काम शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ लॉस की वजह से कंपनी जो है वो बैंकरप्ट हो चुकी थी, और उसने कुछ और गेम्स बनाए, लेकिन उसके बाद टोटल ओवरडोज का काम पूरा रुक गया था और इसी वजह से टोटल ओवरडोज 2 कभी नहीं आ पाई। बट फिर भी इसका एक सीक्वल आया था जो कहते सीक्वल है लेकिन है नहीं, जिसका नाम था चिली कोन कार्नेज, जो कि PSP के लिए आया था, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट था, लेकिन इसमें हमारा जो प्रोटैगनिस्ट था वो सेम था, बाकी सब कुछ नहीं। और अभी तक आपने ये गेम नहीं खेली है तो सबसे पहले तो इस गेम को खेलो ताकि आपको भी पता लगे यार गेम्स कैसी कैसी टाइप की हो सकती हैं और कितने मज़ेदार हो सकती हैं। अगर आपने ये गेम खेली है देन प्लीज़ कमेंट डाउन और मुझे बताओ कि आपको कैसे लगी। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए बाय।